ऑडिटर चार तरह का ओपिनियन देता है. हैड आई सेड दैट? लिखाया तो नहीं था. ऑडिटर चार तरह का ओपिनियन देता है, दे सकता है. नंबर वन, अनक्वालिफाइड. क्या? अनक्वालिफाइड मतलब क्लीन. नंबर टू, क्वालिफाइड. नंबर थ्री, एडवर्स. नंबर फोर, डिस्क्लेमर. डिस्क्लेमर. अनक्वालिफाइड इज अ क्लीन चिट. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड दे रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी. ठीक है. क्वालिफाइड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी एंड आर इन अकॉर्डेंस विद रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स सब्जेक्ट टू वन पर्टिकुलर आइटम. ऑडिटर इज एक्सप्रेसिंग इज क्वालिफिकेशन. ठीक है. आई एम टेलिंग यू, यू आर द बेस्ट ऑफ स्टूडेंट, यू हैव एवरीथिंग प्लस प्लस सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट यू हैव दिस माइनस. ठीक है. तो मोर लेस ठीक है, ये गड़बड़ी है तुम्हारे में. तो वो सब्जेक्टिव वाला क्या हो गया? क्वालिफाइड. ठीक है. तो क्वालिफिकेशन क्या क्या चीज को लेके हो सकता है? वो CFA L1 में, यहां पे केवल नाम. तीसरा, ही कैन गिव एन एडवर्स ओपिनियन. एडवर्स, यू आर अ बैड स्टूडेंट. ठीक है. तो इसका मतलब द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट इन कंप्लायंस विद द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स, दे डू नॉट प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर, एकदम नेगेटिव ओपिनियन. ठीक है. अगर नेगेटिव ओपिनियन कोई ऑडिटर दे दे, बहुत बहुत ज्यादा खराब है कंपनी के लिए. कंपनी का शेयर्स विल फॉल लाइक एनीथिंग, कंपनी का बॉन्ड्स विल फॉल लाइक एनीथिंग, नोबडी वुड लाइक टू डील विद द कंपनी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब हो गया बंगाली में पार्बोना. पार्बोना बोलते हैं ना कि आई कांट डू, तो बोलना चाह रहे हैं आई कांट गिव एन ओपिनियन. क्योंकि जब मैं गया उस कंपनी में ऑडिट करने के लिए, वो लोग ताला मार के भाग जाते थे. दे डिड नॉट कोऑपरेट विथ मी. They did not provide me the details. I am not in a position to give an opinion. How do I give? ठीक है. तो auditor is saying disclaimer of opinion. चारों समझ में आ गया. Having said that, कभी कभी बीच में academics के बजाय practically बता देते हैं. इतना कमती adverse opinion issue होता है ना, adverse opinion इतना कमती है, माने होगा 500 में से एक. 500 companies का audit हुआ, उसमें से एक हो सकता है. मैंने थोड़ा सा respect से बोल दिया, 5000 में से एक होगा, because statistical data याद नहीं है मेरे को. इतना कमती एडवर्स ओपिनियन का कारण क्या है? वो दिखा रहे हैं, दैट पर्सन सही बोल रहे हैं. ऑडिटर को पैसा कौन दे रहे? कंपनी. मेरे से पैसा ले रहे हो, मेरा ही. यू अंडरस्टैंडिंग? तो कंपनी बोल रहा ऑडिटर को, तुम मेरे से फीस ले रहे हो और मेरा ही. दैट वे द पॉइंट इज दैट ऑडिटर, ये सब जो है ना, मतलब दीज आर लाइक गिमिक्स. कहने का मतलब है, अपने जब काफी बार फ्रस्ट्रेट होते रियल लाइफ, आई थिंक एवरीबडी, व्हेन वी ड्राइव द कार एंड बाय चांस अ पुलिस कैचेस अस एंड आस्क फॉर द पोल्यूशन पेपर. ठीक है. तो यू मे बी ड्राइविंग एन ऑडी, ठीक है, जो अभी अभी 6 महीना पहले खरीदा है, और वो तुमसे पोल्यूशन पेपर मांग रहा है. थिंक अबाउट इट. पॉल्यूशन का पर्पज क्या है? कि भाई गाड़ी से पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो वो तो उसको दिख रहे नहीं हो रहे. वो तो उसको दिख रहे नहीं हो रहे, पर पेपर है क्या? दैट इज स्टुपिडिटी ना. जबकि ये लोग जो छोड़ रहे हैं धुआं, सारे टैक्सी वाले सारा, उनसे पेपर नहीं मांगेगा. तो क्या होता है, जो शरीफ है, जो लाइन में लग सकता है, उसका तो लाइन लगाओ, और बाकी जो बदमाश है कुछ लोग, हाँ वैसे. तो आई एम ट्राइंग टू से द वर्ल्ड इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स. कि बोलते हैं अगर ऑडिट नहीं होता तो लोग खुले आम पता नहीं क्या करते. ऑडिट होने से कुछ तो डर है, उससे बड़ा बात ऑडिट होने से कितने जन का घर चल रहा है. ऑडिटर्स लोग का, सीएस लोग का घर चल रहा है ना, तो एक वो भी तो सोशल सर्विस है जो फुलफिल करना चाहिए. नाउ आई एम सेइंग सो मच प्रेजेस फॉर द ऑडिटर्स, यू आर आई थिंक अंडरस्टैंडिंग मैं कितना बढ़ाई कर रहा हूं अभी लास्ट 5 मिनट से. बिकॉज दीज पीपल आर द रूट कॉज ऑफ ऑल स्कैंडल्स इन इंडिया एटलीस्ट. ठीक है. तो मतलब जो भी एपिसोड हुआ सत्यम का, उसमें सब ऑडिटर ही शामिल था लास्ट में जाके पता चला. ठीक है. पर US में थोड़ा सा ज्यादा रिस्पेक्ट है, इंडिया में बहुत ही कम रिस्पेक्ट है ऑडिटर्स का.